कोरोना नाम की कितनी खतरनाक बीमारी फैली है दुनिया भर में। हाँ, सुना है। अरे बीमारी हमारे गांव में आ गई तो अपना क्या होगा। अरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी पे बोला है कि अगर हम काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, सौंठ यानी सूखा अदरक, मुनक्का और गुड़ इन सबका काढ़ा पीते रहेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे। अरे वाह, ये सब चीजें तो हमारे घर में मिल जाएंगी। तुम्हें पता है वो जो अपने पड़ोस में 90 साल के दादा रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कई सालों से यही काढ़ा पीते हैं और वो गिलोय की बेल का रस भी पीते हैं। मैंने भी उनसे ये काढ़ा बनाना सीख लिया है। अरे वाह, तो फिर बनाओ भी काढ़ा। एक बर्तन में पानी चढ़ा लो, अब इसमें दालचीनी के टुकड़े दो, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का, तुलसी जी के पत्ते, अब इसमें थोड़ा गुड़ डाल दो। अब इसे तब तक उबालो जब तक ये आधा ना रह जाए। हाँ, अब इसे उठाकर छान लो। चाहो तो तुम इसमें नींबू भी मिला सकती हो। अच्छा, हाँ ये लो, गर्म गर्म चाय की तरह पी लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया स्वाद है। ये रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। अरे एक बात तो हम बताना भूल ही गए। वो क्या? सरपंच जी ने बताई थी। क्या? सरकार के आयुष विभाग ने एक काढ़ा तैयार किया है, चकटू काढ़ा। और ये काढ़ा हम गांव में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। वो कैसे? 5 ग्राम त्रिकटू पाउडर लो, उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते मिला लो और उसे पानी में तब तक उबालो जब तक ये आधा ना रह जाए, और फिर जरूरत पड़ने पर इसे घूंट घूंट पीते रहो। अब बीमारी से काहे का डर, जब वैद्य जी हैं अपने घर। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। शरीर होगा मजबूत तो रोग रहेंगे दूर।